नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि थंबनेल में दिख रहा है कि किस तरह से हमारी छुट्टियां अलॉट होती हैं, तो छुट्टियां दोस्तों हमारे पास में 10 CL होती हैं और LAP हर 6 महीने में 15-15 आ जाती हैं और LHAP जो कि एक सिक लीव की तरह काम होती हैं तो वो भी आती हैं। वो मैं आपको बता दूँगा पूरी तरह डिटेल में कितना कितना आता है। तो दोस्तों क्या था कि हमें अभी जाना है दिवाली के लिए घर, तो मैंने 2-3 महीने पहले ही पूछा था कि अपने को घर चलना है या नहीं उसकी मम्मी से। तो तब हमारा मन नहीं था क्योंकि स्कूल की शायद बच्चों की छुट्टियां होंगी कि नहीं होंगी, होंगी तो शायद 2-3 दिन की होंगी, तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाए थे। तो अभी पता चला 10 तारीख को कि बच्चों की छुट्टियां कम से कम 12-17 दिन की होने वाली हैं। तो अभी हमारा मन हुआ कि घर जाएं, तो फिर टिकट निकालने की कोशिश की, तो टिकट में आ रही है दोस्तों 50 वेटिंग जब मैंने बुक किया था 4-5 दिन पहले, और अभी हो गई है 25 वेटिंग। पर अभी क्या है, 2-3 प्रकार के सस्पेंस हमारे पास हर बार ही रहते हैं। सबसे पहला सस्पेंस तो ये रहता है कि टिकट हम चलिए 2-3 महीने पहले बना लेते हैं तो वो कंफर्म हो जाती है, पर अब की बार 2 सस्पेंस हो गए। नहीं तो हर बार जब छुट्टी लेते तो एक सस्पेंस रहता है कि जो हमारे हेड हैं CCR साहब, वो छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे रनिंग स्टाफ में थोड़ा सा क्या है, एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ही है रनिंग स्टाफ, ज़्यादा मात्रा में नहीं है एक्सेस अमाउंट में, तो और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो भी हाई अमाउंट में चलती हैं, तो छुट्टियाँ देना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। हर जगह ऐसा नहीं होता, पर फिर भी सर कर ही देते हैं ऊपर नीचे करके, थोड़ी पोजीशन वगैरह हो जाती है टाइट। तो अब की बार देखते हैं सर छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे। तो 2-3 दिन पहले अभी मैंने कल ही लगाई, मेरा भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा था कि यार छुट्टी तो हुई नहीं है कन्फर्म, अब जाएंगे तो कैसे जाएंगे। पर देखिए कल लगा दी एप्लीकेशन और अभी जा रहा हूँ ड्यूटी, तो सुबह मैं फ़ोन करने ही वाला था एडजस्टमेंट के लिए, तभी फ़ोन आ गया। तो फिर मैंने सुना, मखा देखते हैं क्या कहते हैं सर, कौन सी गाड़ी दे रहे। तो सर ने भी डेमो ही लगा दी और मेरे को भी डेमो ही चाहिए थी क्योंकि कल उसका साइन अप होगा, कल ही हमारी गाड़ी है। तो दोस्तों अगर गाड़ी हुई कंफर्म टिकट तो जाएंगे, नहीं तो फिर दिवाली इधर ही मनाएंगे। तो देखिए हमारे लिए भी सस्पेंस और आपके लिए भी। और सबसे दूसरा है कि सर छुट्टी देंगे कि नहीं, वो भी अभी मुझे पूछना है जाके। तो चलिए मिलते हैं, अभी जा रहा हूँ ड्यूटी और फिर शाम तक पता चल जाएगा क्योंकि चार्ट बन जाएगा गाड़ी का। बाय बाय करते, पानी वाटा मारूंगा एक चाटा कहते अब नहीं आएंगे कहते बनिया माने मत बोल कर दो। तो क्या बोला तेरे को सानिया मन ट्रबल हो हां जो तू कभी बना नहीं। हां चुप रख ले ले कल तेरे को टिफिन मंटे बनाया था क्या? हाँ। टिफिन इकट्ठे किया था बच्चों के वो खाया था ना, तो छल्ले चाहिए। कहाँ जा रहे हो? सही कांचन, सही बेच दिया तुमने। चलो
मम्मी ने आटे बना कर दिया है आलू पराठे। पहले पूछ लिया था कितना खाओगे, क्या खाया तुमने? ले लो एक और खाओगे? हाय कर दो पापा जी। तो दोस्तों 27 से 28 घंटे के सफर के बाद पहुंचे हैं घर पर, और आकर मम्मी ने बनाए थे आलू के पराठे, खा के बड़ा मज़ा आया। दोस्तों 6 महीने बाद घर पे आए हैं, और इसलिए छुट्टी भी सर ने बिना सोचे दे दी। टिकट भी हो गई थी दोस्तों, किस्मत अच्छी थी, भगवान ने कहा कि जा मना ले अपनी दिवाली घर पर, तो पहुंच गए हैं घर पर। 10-12 दिन की छुट्टी भी हो गई है, छुट्टियां थोड़ी कम ही मिलती है, और अगली वीडियो में आपके पास पूरी बताऊंगा कि छुट्टियां कितनी मिलती, कैसे मिलती हैं, और कौन कौन सी छुट्टियाँ रहती हैं, कितने पास मिलते हैं। वैसे बता देता हूँ कि अभी हमको एक पास मिलता है सेकेंड क्लास का, एक सेट, मतलब जिसमें आना और जाना कहीं से कहीं तक भी करवा सकते हैं, और 3 से 4 PTO मिलती है स्लीपर क्लास, जिसमें 1/3 उस टिकट का हमें पे करना है। मान लीजिए 600 कुछ रुपए हैं, तो उसका 200 रुपए हमें पे करना पड़ेगा। अभी जाते समय मैंने PTO कराया है, तो उसका मैं डाल दूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ 3 सीट निकाली है मैंने, तो 650 रुपए का कुछ पड़ा है चार्ज आया। तो आपको भी हैप्पी दिवाली दोस्तों, कनेक्ट रहेंगे। और ये जो पीछे ये आप देख पा रहे हैं, ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पे ही मैंने और मेरे एक दोस्त ने बैठकर स्टडी की है दोस्तों। और यहाँ पहले मैं अपनी खेती बाड़ी करता था, अब सुनसान हो गया है। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने बहुत टाइम निकाला अपना, 11 दिन है, शेयर करेंगे आपको इनके साथ। चलिए मिलते हैं, इसी तरह बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।